नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज आज मैं अपनी खुशी जाहिर करने आया हूं और इस खुशी से आप सभी अवगत हो चुके होंगे अभी तक क्योंकि सुबह से ये सोशल मीडिया पर चल रहा है हर तरफ शेयर किया जा रहा है कि आर 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 ने कुल 223 करोड़ का कलेक्शन किया है पूरी दुनिया में यह बहुत खुशी की बात है ख़ास करके भारतीय सिनेमा के लिए और हम सभी दर्शकों के लिए जो सिनेमा से अपना मनोरंजन हासिल करते हैं बात आगे करो इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफी भी खरीदें मेरे साथ रहें तो मैं बात कर रहा हूँ आर 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 की कमाई की फिल्में दो तरीके से आँखी और परखी जा सकती हैं एक फिल्म तो होती है जो गुणवत्ता के हिसाब से श्रेष्ठ होती है दूसरी फिल्म होती है जो मालमत्ता के हिसाब से श्रेष्ठ होती है यानी कि उसमें अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है मैं इस फिल्म को मालमत्ता के हिसाब से श्रेष्ठ मानता हूं। आर 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 को गुणवत्ता के मामले में चूँकि कंटेंट को लेकर मेरी अपनी कुछ शिकायतें हैं मेरी अपनी कुछ अपेक्षाएं थीं जो फिल्म में पूरी नहीं हो सकी इसलिए इस फिल्म को कंटेंट के स्तर पर मैं कमज़ोर मानता हूं कथा के स्तर पर कमज़ोर मानता हूं लेकिन वी मसाला मनोरंजन और बाकी चीज़ें कमाल की हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और जो लोग इस फिल्म को थ्री में देख रहे हैं वे ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं हमने यह फिल्म टू में देखी थी मुझे लगता है यह फिल्म जिस तरीके से पहले दिन ओपनिंग ले चुकी है यह सिलसिला इस पूरे सप्ताहांत में चालू रहेगा उसके बाद भी हो सकता है कि यह फिल्म अधिकतम कारोबार का एक नया रिकॉर्ड स्थापित करे और भारतीय सिनेमा को उस ऊंचाई तक ले जा सके जो पिछले दो साल के अवरोधों के कारण काफ़ी बिखरे और उदास और हताश स्थिति में पहुंच चुका था फिल्में चलती हैं तो इंडस्ट्री चलती है इंडस्ट्री चलती है तो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कारोबार चलता है और इससे सभी को फ़ायदा होता है भारत सरकार को भी फायदा होता है आम नागरिक को भी फायदा होता है फिल्म बिरादरी को भी फ़ायदा होता है और इस त्रियामी फायदे के लिए हमें चाहिए कि हम सिनेमा का सपोर्ट करें जब मैं किसी फिल्म की आलोचना करता हूँ तो मैं निंदा और घृणा नहीं करता हूँ मैं आलोचना एक समीक्षक होने के नाते यह मेरा अधिकार है कि मैं किसी फिल्म को जाँचूँ पढ़ूँ अपने हिसाब से और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी परवरिश हमारा परिवेश हमारी पढ़ाई हमारा अनुभव सब मिलकर वह निकस तैयार करते हैं जिसके ऊपर हम किसी फिल्म को आंकते और जांचते हैं कई बार हो सकता है कि मेरे विचार आपके विचार से मेल न खाते हों लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप गाली गलौज उतर उतराएं या मुझे किसी कोने में ठेलने की कोशिश करें या कुछ अनर्गल बातें करें आप आप अगर विमर्श करते हैं तो सहर स्वागत है अगर मुझे उपयुक्त लगा तो मैं जवाब भी दूंगा लेकिन गाली गलौज उ हिंदी सिनेमा और या भारतीय सिनेमा का दर्शक ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है ये कुछ और लोग हैं जिनको न तो फिल्मों से मतलब है और न फिल्म कारोबार से मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करने के लिए रखे गए हैं इस बात के लिए रखे गए हैं कि अगर कोई उनके विचारों से मेल नहीं खाता उनके आकाओं के विचारों से मेल नहीं खाता तो वे ट्रोल करें वे परेशान करें वे हैरान करें आर 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 एक तरीके तो से आग और पानी की कहानी है इसलिए इसके कारोबार को लेकर मुझे कोई हैरानी नहीं है। हैरानी इसलिए भी नहीं है कि राजा मौली जिस तरीके की फिल्में बनाते रह रहे हैं और जो मसाला एंटरटेनमेंट में पेश करते हैं उसमें ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं मैं जिन बातों को लेकर आलोचना कर रहा हूं वे बातें आज भी बनी हुई हैं इस फिल्म में जिस तरीके से गांधी को बुला दिया गया उस बात का मैं जवाब चाहता हूं अगर राजा मौली या उनका कोई समर्थक जवाब दे सके तो बहुत अच्छा होगा वैसे ट्विटर पर मेरे किसी फॉलोअर ने मुझे भेजा कि राजा मौली 2011 से ही नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उनका ज़ोरदार स्वागत किया था ट्विटर पे और कहीं न कहीं वे विचारों से दक्षिणपंथी हैं अगर दक्षिणपंथी हैं तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं है तानाजी फिल्म से भी मैं खुद प्रभावित नहीं था लेकिन उस फिल्म के कारोबार को मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ वैसे ही मैं द कश्मीर फाइल के कारोबार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और अब आर 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 के कारोबार को कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ फिल्म समीक्षक भी एक व्यापक स्तर पर फिल्म बिरादरी का ही सदस्य होता है इस नाते इस बात की मुझे खुशी है और मैं ये जाहिर कर रहा हूँ आपसे लेकिन मेरी असहमति है फिल्म के कंटेंट से वह भी आपको बता रहा हूँ मुझे कोई दुविधा नहीं होती है अगर कल को राजा मौली से मुलाकात होगी रामचरण से मुलाकात होगी या जूनियर एनटीआर से मुलाकात होगी तो मैं उनका स्वागत करूंगा, हाथ मिलाऊंगा बातें करूंगा, उनसे जानना चाहूंगा, मेरे जो सवाल हैं उनसे तब भी पूछूंगा मैं अब मुझे यकीन है कि आप ट्रोल की तरह वे मुझसे नाराज़ नहीं होंगे या मुझे अपशब्द नहीं कहेंगे वे मेरी बातों का जवाब देंगे यही सिनेमा है यही बौद्धिक समाज है और यही विचार विमर्श की बातें हैं जिससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अगर निष्कर्ष पर नहीं भी पहुंच पाए तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं मैं उस आज़ादी का कायल हूं, जहां मेरा विरोधी कोई बात कहना चाहे तो उसको विरोध करने की बराबर की छूट मिली रहनी चाहिए तो मेरा यह मानना है कि आप अगर यह फिल्म पसंद कर रहे हैं और अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी है तो ज़रूर इसकी सराहना करें लिखें बातें करें लेकिन जो लोग इससे असहमत हैं उनके खिलाफ मोर्चा न खोलें उनके साथ गाली गलौज न करें इस फिल्म के बारे में और भी बातें होंगी मैं एक डिटेल में इसका विश्लेषण करूँगा और कोशिश करूंगा कि इसकी कहानी के अंतर्धाराओं को आपके सामने रख सकूं। फ़िलहाल यही दो तीन बातें हैं जो मुझे करनी थी और वो मैंने कह दिया आपसे आपसे के साथ शेयर किया मैंने और आपको अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर मर्जी हो तो भाई मेरे कॉफ़ी लिंक पर जाइए मेरे लिए कॉफी भी खरीदिए बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए सिनेमा हॉल फिर मिलेंगे